यार मैं आदिपुरुष को दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा और उसे सम्मानित भी करना चाहूंगा। नहीं प्रभास की एक्टिंग और उनके एक्सप्रेशन के लिए नहीं, बल्कि उन भंगार VFX के लिए जिनकी वजह से 11 साल पुरानी मूवी रावण को अब लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि 2011 में आई बेस्ट VFX वाली मूवी और 2023 में आने वाली इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी, दोनों को अगर साइड बाय साइड रखो तो जमीन आसमान का फर्क निकलेगा। पता नहीं कौन सा नशा फुकाता यार इसके डायरेक्टर ने, जो हमें 500 करोड़ की मूवी के नाम पर 500 करोड़ का कार्टून बेच रहे हैं। और यार दूसरी तरफ रावण को देखो, अगर ये मूवी 2011 की बजाय 2022 या 2020 में भी आती तो ये मूवी पक्का सुपर हिट होती। उस टाइम पर इंडियन ऑडियंस को सिर्फ स्टोरी से मतलब हुआ करता था, स्टोरी एडल्ट है या नहीं या फिर स्टोरी में रोमांस है या नहीं। उस वक्त की ऑडियंस को VFX के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ यार अब ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइम पर शाहरुख खान ने बंदरों के हाथ में उस तरह दे दिए थे, मतलब शाहरुख खान ने इतनी अच्छी मूवी टाइम से कुछ ज्यादा ही पहले दे दी थी। और अब आदिपुरुष का ट्रेलर देखने के बाद लोगों को अकल आई है और अब जाकर लोग ट्विटर पर मांग कर रहे हैं वी वांट रावण। तो क्या लगता है ट्विटर पर ये जो ट्रेंड कर रहा है उस पर शाहरुख खान या फिर रेड चिली की नजर नहीं गई होगी? ऑफ कोर्स किसी ने तो देख ही लिया होगा और सोचा भी होगा रावण 2 के बारे में, लेकिन उनके सोचने से ही पहले रावण 2 की एक क्लिप भी लीक हो गई। हाँ आपकी बात भी सही है, जो आप सोच रहे हो कि अभी तो रावण 2 शूट होना भी शुरू नहीं हुई तो लीक कैसे हो गई। तो देखो यार रावण 1 के ही टाइम पे शाहरुख खान ने कुछ क्लिप रावण 2 की भी शूट कर ली थी, जिसको वो तब रिलीज करते जब रावण 1 हिट हो जाती। अब पहले ये क्लिप देख लो, इस वाली फुटेज में हमें शाहरुख खान के अलावा प्रतीक भी दिखाया गया है जो कि अब काफी बड़ा लग रहा है। तो इसी से पता चलता है कि शाहरुख खान का प्लान था इसको 2015 या 16 में लाने का, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गया। देखो एक फुटेज और देखो शाहरुख खान। This is what we want to show you. Shahrukh Khan. Exciting new gaming technology. Take a studio's controller down. A controller that will revolutionize gaming, providing intuitive control of the gamer's world. By Pratik's father and his co-workers. With a naive enthusiasm, along with some poorly written code, to kill the idea and the company. फुटेज के अंदर वो वाली महिला बोल रही थी कि प्रतीक ने हार्ट को रिवाइव किया और वो जीवन को वापस लाया। जैसा कि हमने रावण के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा भी था कि प्रतीक दिन रात लगा रहता था रावण के हार्ट के साथ और उसने कुछ ना कुछ किया और रावण छत पर आ चुका था। तो यार इस क्लिप के साथ लगता तो ऐसा है कि रावण 2 को यार कन्फर्म होने ही जा रही है। तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रावण 2 की अनाउंसमेंट जब भी हो मैं आपको बता सकूं।